पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ट्रांसपोर्टर्स मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ बड़े पहिया जाम हड़ताल का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। काफिले मरकजी दफ्तर पहुँचना शुरू हो गए। बाबू साबू चौक में धरने की तैयारियाँ जारी। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट और एलीट फोर्स का शहर के आम शाहराहों पर फ्लैग मार्च वाल्टन से शुरू होता हुआ फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, बरकत मार्केट, लिबर्टी, सिटी ट्रेड सेंटर, जेल और माल रोड से होता हुआ चैरिंग क्रॉस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत कहते हैं, फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ्फुज़ को उजागर करना है। और अलनूर ऑर्चर्ड डी ब्लॉक की बैलेटिंग की इफ्तिताही तकरीब, एक कनाल, पाँच और दस मरला के प्लाट्स की बैलेटिंग का अमल मुकम्मल। चेयरमैन अलजलील ग्रुप चौधरी नसरुल्ला वड़ाइज कहते हैं, अलजलील गार्डन, अलनूर गार्डन और अलनूर ऑर्चर्ड में बैलकॉमी सहूलियात होंगी। सीईओ अलनूर ऑर्चर्ड खालिद ढड्डी ने अपने क्लाइंट्स के इत्तमाद का शुक्रिया अदा किया।